खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की टेक्निकल कमेटी की बैठक वीसी के जरिए हुई। इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व जल संसाधन उत्तर जोन हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने किया। बैठक में बीबीएमबी ने 10 दिन के लिए हनुमानगढ़ के राजस्थान की नहरों के लिए पानी का निर्धारण किया है। मांग के अनुरूप पानी नहीं मिलने के कारण आईजीएनपी की नहरों में रेगुलेशन बनाकर पानी वितरण पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। 10 अगस्त तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7500 क्यूसेक, भाखड़ा प्रणाली में 1200 क्यूसेक, गंग कैनाल में 2400 क्यूसेक, नौहर सिद्धमुख फीडर में 500 क्यूसेक और खरसरा प्रणाली में 250 क्यूसेक पानी मिलेगा। 10 अगस्त के आसपास रिव्यू बैठक की जाएगी। अगर बांधों में पानी की आवक ठीक रही तो उसके अनुसार दोबारा शेयर निर्धारित कर दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में चीफ इंजीनियर का कहना है कि बीबीएमबी की ओर से जो पानी का शेयर तक किया गया है उसकी बीकानेर और जैसलमेर जोन को सूचना दे दी है और रेगुलेशन निर्धारण के लिए सुझाव मांगे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तीनों में से एक ग्रुप की नहरें रेगुलेशन बनाकर चलाने के लिए आगामी 25 दिनों तक मिलने वाले पानी की स्थिति क्लियर होनी चाहिए, लेकिन बीबीएमबी 10 दिन के लिए निर्धारण कर रहा है। इस कारण रेगुलेशन को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है।